परलोक बनाना है, 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 परलोक बनाना है। पैदा करती देखो कुतिया, कुत्ते की पत्नी कितनी छोटी है, कितने कुत्ते पैदा करते हैं। सुवरिया कितनी छोटा शरीर है, कितने बच्चे देती है। और हाथी कितना बड़ा है, एक ही बच्चा देता है। ऊंट कितना बड़ा है, ये शाकाहार और मांसाहार का फर्क है। जो इंसान मांस खाते हैं उनको उस गर्भ से जन्म लेना पड़ता है अगले जन्म में। किस जन्म से, किसके गर्भ से अगला जन्म किसने देखा है, मौज कर लो। ऐसा करने से लोग नहीं बनेगा तुम्हारा। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है, यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है, यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। और रह गई पूरी बात लेके आगे बढ़ेंगे। बात सुनिए ना, ओ महंगी महंगी साड़ी वालों, बिल्ली और कुतिया अपने बच्चे को जन्म देके आधे बच्चों को खा जाती है, अपने ही बच्चों को खा जाती है भूख के कारण। पिछले जन्मों का परिणाम कुतिया आज तक भोग रही है। इतना सा शरीर बिल्ली का और 10 बच्चे दे दिए बिल्ली ने। जो मनुष्य अंडा मांस तमाकू बटके में जुड़े हुए हैं, जो छोड़ना नहीं चाहते परंपरा से, वो तैयार हो जाओ बिल्ली के पेट से जन्म लेने के लिए। ये कहना चाहता हूं, इसको गरुण पुराण कहता है, गरुण पुराण, गरुण पुराण। क्या कर्म करने से क्या जन्म, क्या फल मिलता है, ये महात्मा कह रहे हैं। बचाने आए हैं झारखंड वालों, इस लोक में भी जय जय और परलोक में भी जय जय। दो घर बनाती है बिटिया रानी, दो घर, बाप का घर भी सजाती है और पति का घर भी सजाती है। और ये बिटिया देसी ठर्रा पीवे और अंडा खावे और बकरी की टांग चूसे, तो ये कौन सा घर बनाएगी, ना यहाँ ना वहाँ। नरक में जाने का दरवाजा मत बनवाओ, मुक्त हो या ना हो पर कम से कम समृद्धि स्वर्ग की ओर बढ़ो। यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है, यह लोक बनाना है, परलोक बनाना है। आए हो इस जग में कुछ करके जाना है। सुनिए, रावण और राम दोनों का नाम बराबर चल रहा है। जितनी दुनिया राम को जानती है उतनी दुनिया रावण को भी। सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति बालक बच्चा नहीं है जो राम को जाने और रावण को ना जाने। पर एक हर साल मैदान, हर शहर में है मैदान, उन मैदानों में हर साल कार्तिक महीने में उसे जलाया जाता है। हर साल दशहरा आता है और हर चैत्र की नवमी के बाद राम जी को पूजा जाता है। एक दिन पहले राम की पूजा और दूसरे दिन रावण की, ऐसी की ऐसी। अब आपको चयन करना है कि रामनवमी में नाम लिखवाना है कि दसवीं में। अंडा खाना है, मांस खाना है, शराब पीनी है, गुटखा खाना है, तो दसवीं की कंपनी में जुड़े रहो। शाकाहार करके इंसान बन के जीना है तो राम जी की नवमी में जुड़ जाओ। एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, नवमी चाहिए कि दसवीं। मिक्स हो गया हाथ, मिक्स हो गया। नवमी, नवमी वाले हाथ खड़ा करो, नवमी वाले। ठीक 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 ठीक। अच्छा, रावण के खानदान से नहीं जुड़ना चाहते क्या? नहीं महाराज, रावण बड़े ऋषि कुल में पैदा हुआ था, ब्राह्मण कुल में, पर भोजन की वजह से, आहार की वजह से राक्षस बन गया। जाएंगे जब यहां से, जाएंगे जब यहां से, कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा अपना लिबास होगा, दो गज कफन का टुकड़ा अपना लिबास होगा। भाई साहब और बहनों, आप अज्ञानता के कारण, परंपरा के कारण भले खा लो पी लो जो चाहे तो कर लो, पर जब शरीर से आत्मा अलग होती है तो सारे हिसाब देने पड़ते भगवान को। अगर तुम्हें भगवान ने मांसाहारी बनाया होता तो तुम्हारे मुंह में गोल गोल दांत देता, गोल गोल, कुत्ता बिल्ली और शेर जैसे, गाय और भैंस जैसे दांत नहीं देता लंबे लंबे। अगर तुम्हें भगवान ने मांसाहारी बनाया होता तो होठों से चूस के पानी पीने की आदत नहीं, चाट चाट के पानी जीभ से पीने की आदत देता।
बिल्ली पानी कैसे पीती है, कुत्ता पानी कैसे पीता है, शेर पानी कैसे पीता है, गीदड़ पानी कैसे पीता है, बाघ पानी कैसे पीता है और घोड़ा पानी कैसे पीता है, चूस कर इंसान पानी चूस कर आप कैसे पीते हैं चाय, ऐसे चाय पीते हैं? बिल्ली ऐसे पीती है दूध को। जिनको मांसाहारी बना के भेजा है वो कभी भी जीभ से पानी पीते हैं और जिनको शाकाहारी बना के भेजा है वो होठों से पानी पीते हैं। तो आप कौन से ग्रुप में है बताओ जरा। महाराज हम तो होठों से पीते हैं, चाट के नहीं पीते। तो छोड़ दो ना, फिर एक बार जयकारा लगा के छोड़ दो, आज के बाद अंडा मांस नहीं खाएंगे। ओ ये नहीं, ये नहीं, हाथ नहीं खड़े कर रहे, हाथ नहीं खड़े कर रहे, बाबा बाबा कितने बेईमान है। पांचवा दिन हो गया महाराज के चिल्ला चिल्ला आए हैं इस जग में कुछ करके जाना है, यह लोक बनाना है, 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 लोक बनाना है। आज हमारे इस महाभागवत प्रांगण में पांचवें दिन की कथा का आनंद लेने के लिए कथा की शोभा के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद सुनील सोरेन जी दुमका लोकसभा क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हैं। व्यासपीठ से उनका बहुत बहुत स्वागत और आशीष शुभकामनाएं। आदरणीय कमल गुप्ता जी नगर परिषद अध्यक्ष महिला मही जाम वो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। चंडी चरण दे जी नगर उपाध्यक्ष जामताड़ा वो भी यहाँ उपस्थित हैं अपने साथियों के साथ में। एक बार जोरदार स्वागत आपका और आप कथा में पहुंचकर कथा की शोभा बढ़ाई। प्रमुख अतिथि के रूप में आज उनका आमंत्रण था, आप पहुंचे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यह लोक बनाना है, बनाना केवल खाने पीने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमारे जन्म का कारण भोग नहीं है, हमारे जन्म का कारण योग है।